विवाह केवल आदमी आजकल केवल भोग विलास के लिए लोग विवाह कर रहे हैं। शादी होगी, पत्नी के संग रहेंगे, केवल मौज मस्ती के लिए आदमी विवाह करता। जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं मित्रों? मैं फिर आ गया हूँ आपके वीडियो को लेकर। जय श्री राधे। बताते चलूँ, पहले तो आप लोगों को एक बात, पहले मुझे ये बता, मैं मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता मैं इसमें, ठीक है? मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं। और दूसरी बात, मेरे बाल लोग कैसे हो गए हैं, मेरे लोग कैसे लग रहा है, ठीक है? चलिए आइए। अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि हमें विवाह क्यों करना चाहिए। विवाह मौज मस्ती हैं, अपने भोग के लिए करना चाहिए, अपना काम करवाने के लिए शादी करनी चाहिए? नहीं, हमें एक जिम्मेदारी के उपलक्ष्य में शादी करनी होती है। क्या? सुनिएगा, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कुंवार लड़की या कुंवारा लड़के को बैठने का इतना अधिकार नहीं है। शादीशुदा को हवन यज्ञ अच्छा होता है, तो हमें सनातन धर्म में या कोई भी कार्य होता है, पूजा पाठ का, हवन यज्ञ का या कहीं का भी, तो हमारी पत्नी सहित शक्ति जो होती है शिव, सब मतलब शिव की जो मात्रा है वो जरूरी है, ना तो सब हो जाएगा मुर्दे मुर्दे के समान, सब सब के ऊपर शिव मात्रा लग गई तो वो शक्ति बन गई है, ठीक है? इसका जुड़ना जरूरी होता है, शादी का अर्थ ये है, ठीक है? आप लोग शादी ये नहीं है मौज मस्ती का लाभ भाई और जिम्मेदारी भूली जाओ, ठीक है? एक जिम्मेदारी है हमारी शादी। अनुरुद्ध आचार्य जी आजकल कथा व्यास बहुत ज़्यादा विख्यात है, इनको हर टीवी पर आस्था के चैनल के माध्यम से, और इनके 1,25,00,000 सब्सक्राइबर हैं। आप अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कथा सुनते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दो जनों को शेयर कर दोगे तो अच्छी बात है, ना करोगे तो कोई बात नहीं है। शादी का यही मतलब नहीं है हम शादी कर ली काम का काम पे भी नहीं जाए बस आराम से, गलत मत समझना, सोते रहे मैं हम मौज मस्ती करते हैं। ना भैया, ठीक है, काम जरूरी है और राम का भजन भी जरूरी है। आप ये नहीं है भोग विलास में भूल जाओ भगवान को भी, तो आप ईश्वर को याद रख रख करिए, काम भी करिए, रोजगार भी करिए, और घर का खाना पीना पेट भी पालना है तो काम करना पड़ेगा, हमेशा मौज मस्ती में रहना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। विवाह केवल आदमी आजकल केवल भोग विलास के लिए लोग विवाह कर रहे हैं। शादी होगी, पत्नी के संग रहेंगे, केवल मौज मस्ती के लिए आदमी विवाह करता। जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं मित्रों? मैं फिर आ गया हूँ आपके वीडियो को लेकर। जय श्री राधे। बताते चलूँ, पहले तो आप लोगों को एक बात, पहले मुझे ये बता, मैं मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता मैं इसमें, ठीक है? मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं। और दूसरी बात, मेरे बाल लोग कैसे हो गए हैं, मेरे लोग कैसे लग रहा है, ठीक है? चलिए आइए। अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि हमें विवाह क्यों करना चाहिए। विवाह मौज मस्ती हैं, अपने भोग के लिए करना चाहिए, अपना काम करवाने के लिए शादी करनी चाहिए? नहीं, हमें एक जिम्मेदारी के उपलक्ष्य में शादी करनी होती है। क्या? सुनिएगा, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कुंवारी लड़की या कुंवारा लड़के को बैठने का इतना अधिकार नहीं है। शादीशुदा को हवन यज्ञ अच्छा होता है, तो हमें सनातन धर्म में या कोई भी कार्य होता है, पूजा पाठ का, हवन यज्ञ का या कहीं का भी, तो हमारी पत्नी सहित शक्ति जो होती है शिव, सब मतलब शिव की जो मात्रा है वो जरूरी है, ना तो सब हो जाएगा मुर्दे मुर्दे के समान, सब सब के ऊपर शिव मात्रा लग गई तो वो शक्ति बन गई है, ठीक है? इसका जुड़ना जरूरी होता है, शादी का अर्थ ये है, ठीक है? आप लोग शादी ये नहीं है मौज मस्ती का लाभ भाई और जिम्मेदारी भूली जाओ, ठीक है? एक जिम्मेदारी है हमारी शादी। अनुरुद्ध आचार्य जी आजकल कथा व्यास बहुत ज़्यादा विख्यात है, इनको हर टीवी पर आस्था के चैनल के माध्यम से, और इनके 1,25,00,000 सब्सक्राइबर हैं। आप अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कथा सुनते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दो जनों को शेयर कर दोगे तो अच्छी बात है, ना करोगे तो कोई बात नहीं है। शादी का यही मतलब नहीं है हम शादी कर ली काम का काम पे भी नहीं जाए बस आराम से, गलत मत समझना, सोते रहे मैं हम मौज मस्ती करते हैं। ना भैया, ठीक है, काम जरूरी है और राम का भजन भी जरूरी है। आप ये नहीं है भोग विलास में भूल जाओ भगवान को भी, तो आप ईश्वर को याद रख रख करिए, काम भी करिए, रोजगार भी करिए, और घर का खाना पीना पेट भी पालना है तो काम करना पड़ेगा,
हमेशा मौज मस्ती में रहना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री